हेलो फ्रेंड्स, हाय। मेरा नाम है रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही है एग्जैक्टली उन्हें, कि उनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और उनको अब जाके रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है जिसकी और आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपको अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट के बाद आपको जाके वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो 2 से 3 या 5 दिन का आपको टाइम मिलता है और उस कॉलेज में जाना है और एग्जैक्टली रिपोर्ट करना है। लेकिन जाते समय कौन सी चीज़ें हमें लेके जाना है या रिपोर्ट करते समय कौन सी चीज़ें हमें लेके जाना है, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जैक्टली आप जब जाओ तो आपको सबसे पहले आपको अपनी 10th की मार्कशीट रखनी है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है और ये काफी जरूरी होता है, अहम होता है। इसके बाद आप एक 12th की मार्कशीट भी रख लीजिए। 12th और 10th की मार्कशीट के साथ साथ आपको अपना TC एंड माइग्रेशन लेके जाना है, जो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में आ चुका होगा और आपको वो जाके सबमिट करना है। देखिए, कई गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रखे या ना रखे, लेकिन ये TC की डिमांड कर सकते हैं। आप TC अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मना कर सकते हैं, ये ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपको सबमिट करना है, बट एट द टाइम आप लेके जाइए। लेकिन अगर आपके पास TC है तो TC की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में डेफिनेटली वो आपको TC रखेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि ये बच्चा कहीं और चला ना जाए। प्राइवेट कॉलेजेस में कंपलसरी है TC या माइग्रेशन, आपसे पूछेंगे TC स्पेशली। TC क्या होता है कि एक DT ने एक नियम बनाया था, कई बार बच्चे दो दो कॉलेजेस में, तीन तीन कॉलेज में लेते हैं, तो DT का ये नियम था कि जिसके पास TC है बच्चा उसी कॉलेज का माना जाएगा। TC आप उसी कॉलेज में करें जहाँ पर आप वाकई में एडमिशन लेना चाहते हैं, बेझिझक कर दें। और अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको समझदार को ये सारा काफ़ी, तो आपको उलझा के अगर रखना है हम यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं 10th, 12th और 10th, 12th के बाद आपको TC माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी होता है। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग चीज़ क्या है कि अगर आपका किसी भी मार्कशीट में नाम गलत है, आपको एक एफिडेविट बनाना है, वो 100 रुपीज़ के उसमें या कुछ आप बना के ले जाइए कि ये गलत है जिसको मैं आगे करेक्ट करवा लूँगा या लूँगी। ये आप एक एफिडेविट ले सकते हैं। अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है, अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो कि 60 रुपये का, 100 रुपये के उस पर स्टाम्प पे बना सकते हैं, और वो गैप सर्टिफिकेट आपको लगाना है और उनको देना है। एक गैप सर्टिफिकेट आपको देना है। गैप सर्टिफिकेट के बाद अब आपको एग्जैक्टली क्या करना है, प्रिंट आउट लेके जाना है अलॉटमेंट का, जो भी आपको अलॉट हुआ है कॉलेजेस उसका प्रिंट आउट लेके जाना है आपके अलॉटमेंट लेटर का, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अलॉटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो अलॉटमेंट के बाद भी एक जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप अपना जो भी आपने आपको अलॉटमेंट मिला है वो तो आप लेके जा ही रहे हैं, सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको फीस का पार्ट लेके जाना है। गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में, प्राइवेट निगोशिएट विल होता है, जो कि आप उसमें 5,000-10,000 भी कर देंगे, तो ये हर कॉलेज की अलग अलग होती है, राइट। कोई कॉलेज DD में एक्सेप्ट करता है, कोई कॉलेज चेक में भी एक्सेप्ट कर लेता है, और बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं UPI, IMPS, RGTS, ये सारे ट्रांजेक्शन को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको पहले ये हर कॉलेज से पूछना पड़ेगा, उस कॉलेज से ही मालूम करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज। किसी कॉलेज की 50,000 फीस हो तो मे बी वो फर्स्ट टाइम में ही पूरी फीस जमा करवा रहा हो, किसी कॉलेज में वो 2 टुकड़ों में फीस जमा करवा रहा हो, तो ये डिपेंड करता है हर कॉलेज में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फीस का मालूम कर लीजिएगा भैया, है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस इस मामले में थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और वो फीस जमा जरूर कराते हैं, और क्योंकि ऐसा ना हो कि फीस की वजह से और दूसरे चीजों की वजह से आप रह जाए, तो पहले से ही ये सारी चीजें मालूम करके जाइए और फिर जाके आप रिपोर्ट करिए। करना क्या है, रिपोर्टिंग के टाइम पे अलॉटमेंट लेके जाना है, अलॉटमेंट आप वहां पर दोगे और बस वहां पर आपको कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, फीस जमा करेंगे और सारी चीज आपकी एक रिपोर्ट कर देंगे। वहां उन्हें मेंशन करना होता है और वो DTE पर जाके, वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है उनके पास बैकहेंड है, उस पैनल से आपको रिपोर्टेड शो कर देंगे। तो दैट सिंपल सा प्रोसेस है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, 2-3 घंटे का टाइम ही लगेगा मैक्सिमम पूरी प्रोसेस में, लेकिन
एक कॉलेज वाला भी अपना फॉर्म देता है आपको, वो भी सब भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक 2-3 घंटे का आप टाइम निकाल के जाइए और ये इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है, बस आपको अपने फ़ोटो भी लेके रख के जाना है। तो जो कॉमन सी चीज़ें आप सब जगह लेके जाते हैं, आप फ़ोटो लेके जाइए, TC लेके जाइए, अपना यू नो OBC का सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो ये ज़रूर लेके जाना है। और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो मूल निवास, और आपको मूल निवास के साथ साथ आपने यू नो जाति बोला है, आय प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ें। मूल निवास मतलब मध्य प्रदेश का जो भी आप सर्टिफिकेट है, बाहर का है, कहीं का भी है, सो आपको वो लेके जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपने अपना किसी भी कैटेगरी से नहीं आते हो, आप बाहर से हो, स्टेट कैटेगरी से हो, तो आपको कुछ नहीं लगना है भैया। और इसके बाद भी मैं कुछ और जैसे डाउट बता दूँ यहाँ पर कि अगर आपने मध्य प्रदेश से 12th किए, लेकिन या आप मध्य प्रदेश के हैं और आपने बाहर से 12th किए, तो यहाँ पर आप अपने मोम डेड पेरेंट्स का MP डोमिसाइल लगाइए। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो पूछ सकते हैं आप, और उसके बाद हम आपको वो बता देंगे। सो ये केस टू केस भी वेरी करेगा, ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस हैं, बहुत ही कम रेयर केसेस होते हैं। सो गाइज यू नो इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब करिए अभी तक चैनल को अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से।